हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 7 से लेके 16 तक। आज हम पार्ट 4 में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 को आज हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया है? इस समकोण त्रिभुज के दो कोण आपको दिए हैं। ठीक है, कि किसी त्रिभुज का एक कोण समकोण है। कोई त्रिभुज है आपका ए बी सी, ठीक है, तो उसके दो कोण आपके एक कोण समकोण है, तो शेष दो कोणों का अंतर आपको दिया है। ए माइनस बी का मान जो दिया है वो पाई बाई सिक्स दिया है। पाई की यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 180 अपॉन में 6, 6s को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 30। यानी यहाँ से आपका a माइनस बी का जो मान आ गया वो 30 आ गया। ठीक है, हमें पता भी तीनों कोणों का योग त्रिभुज के कितना होता है, 180। ठीक है, तो ये 90 है, तो कहीं ना कहीं ये इनका सम भी क्या होगा, 90। छोटा बड़ा कोण हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी यहाँ से कितना आ जाएगा, 90। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो बी से बी कैंसिल हो जाएगा, तो 2a = 120 आ जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर 60। ठीक है, ये a आ गया आपका। ये a की वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करोगे इक्वेशन, इसे फर्स्ट मान लो, इसे 2 मान लो, दूसरी इक्वेशन में पुट करोगे तो ये 60 इधर माइनस हो जाएगा 90 में से, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30। अब 60 को हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, तो पाई बट 180 से मल्टीप्लाई कर लो, 0 से यहाँ 0 कैंसिल, और भाई ऐसा करो, इसको अलग से कर लो आप, = 60 × π/180, 0 से 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा a की वैल्यू π/3। एक तो ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट b है, b में भी मल्टीप्लाई कर दो 180 डिग्री की, तो इसे 5/180 से गुणा कर देंगे, 0 0 कैंसिल, 3 × 3, 3 × 6 = 18, तो एक आंसर आपका आ जाएगा 5/6। तो दो वैल्यू आपको आ गई, ए का मान 5/3, बी का मान 5/6। ठीक है, ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 17 को कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 18। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 में क्या दिया है? किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। कोई वृत्त है, इसका केंद्र है O, इसको इधर बढ़ा ले, इसकी ये जीवा है, A मान लिया, इसको B मान लिया, और हमें पता है भी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग हो गया वो कितना हो गया, 180 डिग्री। तो ये भी कहीं ना कहीं 60, ये 60, ये 60, तो 60 डिग्री को इसको कन्वर्ट कर लेंगे रेडियन में, π/180 से गुणा करके, 0 0 कैंसिल, 6 से डिवाइड करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, π/3। ठीक है, ऐसा आप इसको कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। किसी वृत्त की त्रिज्या चाप की त्रिज्या की आधी है। कोई वृत्त है, इसकी जो त्रिज्या है वो चाप की आधी है, तो यहाँ पे आपका हो गया चाप और ये हो गया त्रिज्या, तो दोनों का हमने क्या ले लिया, रेशियो ले लिया। इसके अगर चाप 2x है तो त्रिज्या कितनी होगी, x, और हमें पता है कि भाई कोण बराबर जो होता है आपका वो होता है चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो चाप आपको हमने मान लिया x, चाप आपको दिया है 2x और त्रिज्या दी है x, x से यहाँ x कैंसिल, तो 2 आपका आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है, दो वृत्तों के बराबर चाप उनके केंद्रों पर 60 डिग्री 75 डिग्री के कोण बनाने, यानी थीटा वन हमने मान लिया, माना थीटा वन कितना है आपका, मतलब दिया है उन्होंने थीटा वन वैल्यू 60 डिग्री और थीटा टू की वैल्यू 75 डिग्री, तो उनकी वृत्त जो वृत्त हैं उनकी रेशियो बताना त्रिज्याओं में। ठीक है, तो अगर हम अभी कोण बराबर, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा कि कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या,
चाप बटे त्रिज्या, ठीक है। तो अगर हम यहां से कोण की बात करें पहले वाले की, तो क्या है थीटावन, थीटावन बराबर हमने चाप को मान लिया एक्स और त्रिज्या आपकी हमने मान ली आर वन। तो यहां से आर वन की वैल्यू आ जाएगी आर वन इज इक्वल टू एक्स अपॉन थीटावन। तो यहाँ पे थीटावन की वैल्यू कितनी है भाई 60, तो एक्स अपॉन 60 इसको कन्वर्ट कर लेंगे पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई करके। तो 0 से 0 कैंसिल, 6 से जाएगा 3 बार, 3 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो 3x/π आ जाएगा। यानी आर वन की जो वैल्यू आ गई वो 3x/π आ गई, ठीक है। ऐसे ही आप थीटा टू की वैल्यू अगर देखें तो एक्स अपॉन यहाँ आर टू हो जाएगा और आर टू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी आपकी एक्स अपॉन थीटा टू। थीटा टू की वैल्यू कितनी है 75, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बटे 180 से, तो आ जाएगा 15 दूनी 30, और सॉरी 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 पंजे 75, 12 की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी तो आ जाएगा 12x/5π, ठीक है। ये आर वन की वैल्यू और ये आर टू की वैल्यू, इन दोनों का रेशियो बताना है। तो आर वन अनुपात आर टू यानी 3x/π। अब देखो इनको कन्वर्ट इससे भाग कर देंगे तो पाई से यहाँ पाई कैंसिल हो जाएगी, एक्स से यहाँ एक्स कैंसिल, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 5 ऊपर चला जाएगा तो रेशियो कितना आ जाएगा 5:4, ठीक है। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले आपको कुछ इक्वेशन मैं बता दूं, जैसे कि आपको पता है भाई कि 3 इक्वेशन होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। अगर यहाँ आते हम साइन की वैल्यू निकाल लें तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 - cos² θ, ठीक है। तो ये पहली इक्वेशन होगी, और अब हम निकाल लेंगे दूसरी। तो दूसरी इक्वेशन थी हमारे पास sec² θ - tan² θ = 1, ठीक है। तो sec की यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी आपकी sec² θ - tan² θ = 1, ठीक है। तो ये माइनस का दर्जा आगे कहीं का हो जाएगा प्लस का, तो sec² θ = 1 + tan² θ, ठीक है। तो ये इक्वेशन दूसरी, और एक तीसरी इक्वेशन होती है आपकी cosec² θ - cot² θ = 1, ठीक है। यहाँ से माइनस है इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का, तो sec² θ = यहाँ से आ जाएगा 1 + cot² θ। तो इन इक्वेशन का यूज आगे अब क्वेश्चन में होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है, cos² θ / sin θ ((+sin θ), इसकी वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना भाई, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, और cos² θ + sin² θ / में क्या आ जाएगा sin θ, ठीक है। और इसकी वैल्यू हमने अभी बताई है क्या होती है 1 1 अपॉन क्या हो जाएगा sin θ, जो कि ऊपर जाके क्या बन जाएगा cosec θ, ठीक है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है 1 + cos θ / 1 - sin θ / cosec² θ, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। तो इसमें क्या करना है, देखो यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी माइनस है,
दोनों का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, यहाँ पे वर्गों के अंतर का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक बार जुड़ रहा कोस, एक बार माइनस हो रहा, तो जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और भाई ये उल्टा होता है साइन का, तो ये नीचे बन जाएगा वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से मैंने अभी डिस्कस की, इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा बराबर वन माइनस क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा, तो इसकी जगह हम क्या रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हम रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा और बटे में क्या आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, इससे ये कैंसिल, तो वन अपॉन कोस स्क्वायर थीटा ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, दैट इज आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में दिया है आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर इसे ए मान ले, इसको बी मान ले, तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया और ये क्या बन गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। ठीक है, अगर हम इसको ए मानते हैं, इसको बी मानते हैं, तो यहाँ से तो एक बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ से जो बनेगा ए माइनस बी यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर इनके स्क्वायर को आप खोलोगे तो क्या जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इस टू ए बी से टू ए बी कैंसिल, तो एक ए स्क्वायर एक ए स्क्वायर कितने होंगे टू ए स्क्वायर, और एक बी स्क्वायर कितने होंगे टू बी स्क्वायर। ठीक है, अगर इनकी कॉमन की बात करूं तो क्या आ रहा है टू, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर आ गया, जहाँ पे ए की वैल्यू तो है साइन थीटा और बी की वैल्यू है कॉस थीटा, वो यहाँ पर रख देंगे, तो आ जाएगा टू यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या होती है मैंने पहले ही बताया था एक, तो यहाँ पे रख देंगे एक, तो टू इंटू वन ये आ गया आपका टू, ऐसे आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया है, वन माइनस कोस थीटा वन प्लस कोस थीटा, ठीक है, और वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू निकालनी। अभी मैंने बताया कि भाई ये वर्गों के अंतर का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें, ए की जगह वन बी की जगह कोस थीटा, तो हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर थीटा इंटू ये है वन प्लस कोट स्क्वायर थीटा। ये इक्वेशन थर्ड से क्या होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, और इसका मान क्या होता है इक्वेशन फर्स्ट से साइन स्क्वायर थीटा, तो ये पुट कर देंगे आप, इसकी जगह ये रख देंगे, इसकी जगह ये रख देंगे, तो इसकी जगह आप रखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, और ये जस्ट इस कहें का अपोजिट होता है कोसेक का, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इससे ये कैंसिल और आंसर आपका आ गया एक। ठीक, तो ऐसे आप क्वेश्चन नंबर 24 को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, बहुत इजी क्वेश्चन है, सेक थीटा माइनस वन अपॉन सेक थीटा प्लस वन, इसकी वैल्यू निकालनी। भाई ये किसका उल्टा होता है, वन अपॉन कोस का अपोजिट होता है, इसको ऐसे लिख लेंगे
और ये भी यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे वन अपॉन कोस थीटा प्लस वन, और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा, वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा। जो कोस एलसीएम लोगे नीचे भी कोस थीटा आएगा, नीचे भी कोस थीटा आएगा, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर आपका क्या आएगा, ये आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा अपॉन वन प्लस कोस थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, वन माइनस कोस ए अपॉन साइन ए, ठीक है, इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। तो कुछ नहीं करना भाई, इसमें आपको इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी है, इसका अपोजिट इसके संयुग्मी से वन प्लस कोस ए, इसका अपोजिट वन प्लस कोस ए, और नीचे भी इसी से ही मल्टीप्लाई करेंगे वन प्लस कोस ए। ठीक है, तो यहाँ फिर वही फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा वन माइनस कोस स्क्वायर ए, अगर इनकी गुना करोगे तो यही आएगा, और नीचे क्या आ गया वन साइन ए वन प्लस कोस ए। ठीक है, तो एक बात आप देखो ये इनटू में है, यहाँ पे ठीक है, तो ये इनटू में है आपके, तो ये हो जाएगा आपका वन माइनस कोस स्क्वायर ए, और नीचे हो जाएगा वन साइन ए वन प्लस कोस ए, और इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से होती है साइन स्क्वायर ए, और ये जी जो का दो नीचे, तो यहाँ से साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा साइन ए अपॉन वन प्लस कोस ए। ठीक है, ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 27। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे, वन प्लस कॉस थीटा अपॉन वन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपको कोस थीटा के कुछ फॉर्मूले याद रखने हैं। कोस थीटा का पहला फॉर्मूला होता है वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, एक फॉर्मूला होता है टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, तो ये दो फॉर्मूले आपको इसके रखने हैं याद। तो ये फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे, वन प्लस कोस थीटा की जगह क्या रखेंगे टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, क्योंकि हमें ये वन कैंसिल करना है, और ये माइनस का वन ये प्लस का वन तभी कैंसिल होगा जब हम आपके यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो कोस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, यहाँ पे फॉर्मूला हमने यूज कर दिया, यहाँ पे हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, देखो बीच में क्या है माइनस, तो इस माइनस की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का वन, और इस माइनस की इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस, तो टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, इस वन से ये वन कैंसिल, इस वन से ये वन कैंसिल, तो अंदर बचा आपका टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू अपॉन टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टू से टू कैंसिल, और कोस अपॉन साइन कोट का फॉर्मूला होता है, तो ये हो गया कोट स्क्वायर थीटा बाई टू, स्क्वायर से कैंसिल हो गया रूट, तो कोट थीटा बाई टू आपका आंसर आ गया। ठीक है, ऐसे इसको कर सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, इसमें दिया है वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए, इसकी वैल्यू हमें बतानी है, तो इसको करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके अपोजिट से अपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो वन माइनस साइन ए, तो इसका अपोजिट वन माइनस साइन ए अपॉन वन प्लस साइन ए वन माइनस साइन ए। ठीक, तो ऐसा मल्टीप्लाई कर दो,
अब क्या हो जाएगा, इसका और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन यहाँ वर्गों के अंदर का फॉर्मूला वन माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो इस स्क्वायर से ये रूट तो हो जाएगा कैंसिल ऊपर वाला, तो ऊपर तो बचेगा वन माइनस साइन ए और नीचे वाला रूट बचेगा बस। नीचे वाले में वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह हम रख सकते हैं इक्वेशन फर्स्ट से कोस स्क्वायर ए, तो इस स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो वन माइनस साइन ए अपॉन में क्या आ गया कोस ए, और इसके अलग अलग अपॉन में करेंगे कोस को तो ये आ जाएगा वन अपॉन कोस ए माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक, हमें पता है कि भाई वन अपॉन कोस ए क्या होता है सेक ए, और ये जो फॉर्मूला बन गया ये कहें का फॉर्मूला है टेन ए, तो ऐसा आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, वन प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी इसमें, तो इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसकी इसमें करेंगे तो ये जाएगा कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे झुका दू तो कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर खोल लेंगे तो वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा वन प्लस साइन थीटा। ठीक है, इतने की वैल्यू होती है एक, एक और एक कितने होंगे दो और टू साइन थीटा, इक्वेशन फर्स्ट है इसकी वैल्यू एक होती है, तो कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, ऊपर से कॉमन क्या आ रहा है टू, तो वन प्लस साइन थीटा अपॉन क्या आ जाएगा कॉस थीटा वन प्लस साइन थीटा, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, और तो जो वन अपॉन कॉस थीटा है ये ऊपर जाके क्या बन जाएगा आपका सेक थीटा, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया है, वन अपॉन सेक थीटा प्लस टेन थीटा, इसके अपोजिट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, तो ये तो वर्गों के अंतर का फॉर्मूला बन गया, यानी एक ही जगह सेक और ऊपर झुका तो ये बन गया आपका सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू होती है इक्वेशन टू से वन, तो वन को नीचे रखो या ना रखो तो आंसर आपका यही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 और 32 दोनों क्वेश्चन सेम है, तो एक ही क्वेश्चन में कराऊं, वन प्लस कोट स्क्वायर ए इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए माइनस वन। ठीक है, तो वन प्लस कोट स्क्वायर ऐसे तीसरे इक्वेशन से हम यहाँ रख सकें कोसेक स्क्वायर ए, और इसकी जगह हम रख सकें फर्स्ट से कोस स्क्वायर ए, इसकी जगह हम रख सकें टेन स्क्वायर ए, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे कोसेक ए बचेगा और ये कोसेक ए नीचे जाके क्या बन जाएगा वन अपॉन साइन ए, यहाँ पे कोस ए बचेगा और यहाँ पे आपका
टेन ही बचेगा। तो कॉस अपॉन साइन होता है कोट ए, और टेन जो अपोजिट होता है वन अपॉन कोट ए का, तो कोट से यहाँ कोट कैंसिल, कितना आ गया एक। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट 32वां क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33। क्वेश्चन नंबर 33 बहुत ध्यान से आपको देखना है, टेन ए अपॉन वन माइनस टेन ए को थोड़ा सा आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 33, टेन ए अपॉन वन माइनस कोट ए प्लस कोट ए अपॉन वन माइनस टेन ए, तो ये आपका है। मैंने फॉर्मूले बताए थे कि टेन ए का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइन ए अपॉन कोस ए, और कोट का फॉर्मूला जस्ट इसका अपोजिट, कोस ए अपॉन साइन ए। ठीक है, सेम इसमें भी कोस ए अपॉन साइन ए अपॉन वन माइनस साइन ए अपॉन कोस ए। ठीक है, तो अब क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने पे जो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, नीचे साइन आएगा और साइन की मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा कोस ए साइन ए माइनस कोस ए प्लस ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए, और यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन ए कोस ए माइनस साइन ए। ठीक है, अब देखो अगर हम इन दोनों का एलसीएम लें, पहली बात तो यहाँ पे कोस ए है, यहाँ माइनस का साइन ए है, लेकिन यहाँ पे क्या है साइन ए माइनस कोस ए, लेकिन हमको ऐसा ही एज इट इज यहाँ पे भी बनाना है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे तो हो जाएगा साइन ए और यहाँ पे हो जाएगा आपका कोस ए। ठीक है, अब बेस दोनों के सेम है, ये भी, तो एलसीएम ले लेंगे, तो आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए साइन ए माइनस कोस ए, ये आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करेंगे तो कोस और साइन ए माइनस कोस ए ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा, साइन ए बचेगा, और साइन ए की मल्टीप्लाई इसके ऊपर कर देंगे तो क्या आ जाएगा क्यूब ए। सेम इसमें भी क्या हो जाएगा कोस क्यूब ए। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ठीक है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है आपका ए माइनस बी, ए की जगह साइन ए माइनस बी की जगह है कोस ए, ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए, बी का स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर ए प्लस ए बी साइन ए इंटू कोस ए। तो ये हमने ऊपर वाला फॉर्मूला खोल दिया, और नीचे रखेंगे झुका तो साइन ए इंटू कोस ए और साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, अब देखो ये भी इंटू में है, ये भी इसके इंटू में, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, और इसकी वैल्यू होती है इक्वेशन फर्स्ट से वन, तो वहाँ पर रख देंगे वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए। ठीक है, तो थोड़ा सा स्कोर अप कर देंगे, तो वन प्लस साइन ए, तो हमारा जो आया वन प्लस साइन ए इंटू कोस ए अपॉन साइन ए इंटू कोस ए, तो इनके अलग अलग अपॉन में करेंगे तो इसके अपॉन में आ जाएगा साइन ए इंटू कोस ए, और इसके अपॉन में जब आप करोगे तो ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ बचेगा वन, तो वन अपॉन साइन ए अपोजिट होता है कोस ए के का, तो ये ऊपर जाके कोस ए के बन जाएगा, और वन अपॉन कोस ए ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेक ए, और प्लस में क्या आ जाएगा अपन, तो ये आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, बड़ा है,
क्वेश्चन नंबर देखते हैं अब 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में दिया है आपको साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर 1/√2। ठीक है, तो क्या करेंगे, दोनों ओर का वर्क कर देंगे। तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर 1/√2, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे तो क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin theta into cos theta बराबर 1/2। हमें पता भाई इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 plus 2 sin theta into cos theta is equal to 1/2। ठीक है, अब हमने क्या करा, अब हमने क्या करा इसमें, इतने की वैल्यू आपकी क्या आ गई 1/2, और हमें वैल्यू बतानी है इसकी। ठीक है, तो उसमें हमने क्या करा, 2 से मल्टीप्लाई कर दी। तो यहां पर 2 4 sin theta into cos theta, और यहां पर आ गया 1। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया 1। अभी 2 है प्लस का, उधर जाके कहीं का हो जाएगा माइनस का। 4 sin theta into cos theta is equal to 1 minus 2। 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा माइनस का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 से क्वेश्चन नंबर 35। ठीक है, तो ये आ जाएगा साइन ए अपॉन 1 plus cos a plus 1 plus cos a upon sin a। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी है भाई क्वेश्चन नंबर 35 की। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 को कैसे करेंगे, आपको इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, साइन स्क्वायर है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो होल स्क्वायर बन जाएगा, और 1 plus cos square a plus 2 cos a उसको हमने खोल लिया है। ठीक है, होल स्क्वायर बनेगा इसका स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो होल स्क्वायर बनेगा, उसका होल स्क्वायर ये खुल गया, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो साइन स्क्वायर आ गया, नीचे की नीचे करेंगे तो साइन ए 1 plus cos a। ठीक है, अब देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, 1 और 1 कितने होंगे 2, तो 2 cos a upon sin a 1 plus cos a। तो ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो 1 प्लस क्या आ जाएगा, कोस ए अपॉन 1 plus cos a इनटू में क्या है साइन ए, तो इससे कैंसिल, और ये साइन ए ऊपर जाके क्या बन जाएगा कोसेक ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ऊपर जाके आपका बन जाएगा कोसेक ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में दिया है आपको 1 plus 1 upon cot square theta, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। तो भाई हमें पता 1 upon cot square theta जो है ऊपर जाके क्या बन जाएगा 10, तो ये हो जाएगा 1 plus 10 square theta, और दूसरी इक्वेशन से जस्ट इसका मान होता है भाई sec square theta, ये इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 में आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 37। ठीक है फ्रेंड्स,
इतने ही क्वेश्चन आप इस वीडियो में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।